अपना मिलिट्री स्कूल किधर? इधर इधर अभी अपना मिलिट्री स्कूल है। मिलिट्री स्कूल के देखो ऐसे क्या नहीं, इसके जैसे रैबिट की तरह। इसके देखो आंखें ऐसी गोल गोल है। किसमें इन्फॉर्मेशन? क्रोमोसोम में। किसमें है? क्रोमोसोम में। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, लड़की सॉरी लड़का है क्या है? लड़का है क्या है? लड़का। तो इसके लड़के होने की भी इन्फॉर्मेशन किसमें बेटा? क्रोमोसोम। आया समझ में? ऐसे क्रोमोसोम जिनमें किसकी इन्फॉर्मेशन होती है, ये लड़का है या नहीं? आपको लड़का ही बोल रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि मतलब किसकी इन्फॉर्मेशन होती है, लड़का है या उन क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। तो कल हमने क्या पढ़ा बेटा? क्रोमोसोम के टाइप पढ़े। किसके हिसाब से पढ़े? ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या होता है? क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स होते हैं उनको एक जगह पे क्या करता है? बांध के रखता है। क्या करता है? बांध के। उसके पोजीशन के हिसाब से हमने क्या पढ़े? टाइप्स पढ़े। क्या पढ़े? टाइप्स। आज हमें क्या पढ़ना है? क्रोमोसोम के टाइप पढ़ना है बेटा। किसके हिसाब से पढ़ना है? अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे हम? फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ पे मैं क्या करूंगा पता है? दो अलग अलग पार्ट कर दूंगा। यहाँ पे नाम लिखूंगा मैं ऑटोसोम। क्या लिखूंगा बेटा? ऑटोसोम। और यहाँ पे लिखूंगा सेक्स क्रोमोसोम्स। अपना मिलिट्री स्कूल किधर? इधर। हाँ इधर। अभी अपना मिलिट्री स्कूल है। मिलिट्री स्कूल के देखो ऐसे क्या नहीं, किसके जैसे रैबिट की तरह। इसकी इन्फॉर्मेशन किसमें? उसके डीएनए में। किसमें है? डीएनए। कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ पे? न्यूक्लियस। मतलब इसके देखो आंखें ऐसी गोल गोल है। किसमें इन्फॉर्मेशन? क्रोमोसोम में। किसमें है? क्रोमोसोम में। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, लड़की सॉरी लड़का है क्या है? लड़का है क्या है? लड़का। तो ये लड़का है बेटा, इसके लड़के होने की इन्फॉर्मेशन भी किसमें होती है? किसमें होती है? आया समझ में? मतलब इसके बॉडी की हर एक इन्फॉर्मेशन किसमें है? क्रोमोसोम में। ये आपको लड़का दिख रहा है ना, तो इसके लड़के होने की भी इन्फॉर्मेशन किसमें है बेटा? क्रोमोसोम। आया समझ में? ऐसे क्रोमोसोम, क्या बोलूंगा मैं? ऐसे क्रोमोसोम जिनमें किसकी इन्फॉर्मेशन होती है, ये लड़का है या मैं आपको लड़का ही बोल रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि मतलब किसकी इन्फॉर्मेशन होती है, लड़का है या आया समझ में? उन क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? यहां तक समझ में आया? पक्का? अभी यहां पे ध्यान देना है। अभी वर्ड है बेटा ऑटोसोम। रुको, अभी जाना नहीं आप। क्या वर्ड है? ऑटोसोम। अभी मैंने आपको क्या बताया, इसकी आंखें कैसी है? गोल गोल है। छोटे छोटे क्या है? बाल है। रैबिट जैसे क्या है? कान है। आया समझ में? तो ऐसे क्रोमोसोम जिनमें किसकी इन्फॉर्मेशन होती है बेटा, बाकी सब चीजों की इन्फॉर्मेशन होती, क्या छोड़ के? ये लड़का है या उन क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समझ लो बाड़ा। सो सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? दीज आर द क्रोमोसोम्स जिनमें इन्फॉर्मेशन होती, किसकी इन्फॉर्मेशन? ऑफ द जेंडर ऑफ दैट पर्सन। उस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। और ऑटोसोम मतलब ऐसे क्रोमोसोम जो सेक्स को छोड़ के बाकी सब इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? कैरी करते। क्या करते हैं? कैरी। मैंने आपको नोट करके दिया बेटा, हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स या 46। कितने होते हैं? सो ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। और हमेशा किस में रहते? जोड़ी में रहते। जैसे प्रणव और तन्मय हमेशा कैसे रहते? जोड़ी में रहते। कैसे रहते? जोड़ी में। इन द सेम वे बेटा क्रोमोसोम भी कैसे रहते? जोड़ी में रहते। कैसे रहते हैं? मतलब 46 क्रोमोसोम्स कितने पेयर में? उसमें से सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं बेटा? 2। मतलब एक पेयर। कितने? एक पेयर। सो 2 सेक्स क्रोमोसोम्स इन 1 पेयर। फिर ऑटोसोम कितने रहेंगे? 44 क्रोमोसोम्स इन 22। मतलब 2 आर द सेक्स क्रोमोसोम्स एंड 44 आर द ऑटोसोम्स। समझ में आया?